हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे यूपी आरवीओ एनएल स्टाफ नर्स के पेपर के बारे में। इस पेपर से हम 120 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और जो रिमेनिंग हमारे 80 क्वेश्चन बच गए हैं वो आज के इस पार्ट के अंदर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से आपको 30 क्वेश्चन तो नर्सिंग के मिलेंगे, जो नर्सिंग सब्जेक्ट है अपने उनके मिलेंगे, और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जो गणित है, जो मैथ है उसके आपको मिलेंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, जो DSSB में लगना चाहते हैं वो इन 50 क्वेश्चंस को साथ में और पढ़ लेना। बाकी तो सब ये 30 क्वेश्चंस ही पढ़ के वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन ये 50 क्वेश्चंस वही पढ़ेंगे जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि DSSB में दो पेपर अलग अलग होते हैं, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे अभी जो 80 क्वेश्चंस है वो फटाफट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 121 यानी 121 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, द बैक्टीरिया दैट हैव वेरिएबल शेप यानी बैक्टीरिया विथ चेंजेबल शेप आर कॉल्ड। बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो आपको बताना है जो अपनी शेप को वेरिएबल यानी कि बार बार अपनी शेप को चेंज करता रहता है, यानी कि चेंजेबल शेप, उसे क्या कहते हैं जो अपनी शेप को बार बार चेंज करे, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिया गया है लोफोट्रिकस, नेक्स्ट मोनोट्रिकस, नेक्स्ट प्लियोमॉर्फिक, नेक्स्ट एम्फीट्रिकस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, प्लियोमॉर्फिक। जो चेंजेबल शेप वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जो वेरिएबल शेप वाले बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक, जो बार बार अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट डेवलप्स वोकल कॉर्ड पाल्सी आफ्टर थायरॉइड सर्जरी। एक पेशेंट है जिसको डेवलप हुई है क्या वोकल कॉर्ड पाल्सी, वोकल कॉर्ड पाल्सी हुई है, कब हुई है, थायरॉइड सर्जरी के बाद में, थायरॉइड सर्जरी होने के बाद में वोकल कॉर्ड पाल्सी किसी पेशेंट को डेवलप हुई है। तो आगे क्या पूछा आपको, दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू इंजरी और टू दी, ये आपको पूछा है कि ये जो कंडीशन डेवलप हुई है पेशेंट के अंदर वो कौन सी इंजरी की वजह से डेवलप हुई है, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट सुपरफिशियल लैरिंजियल नर्व, नेक्स्ट वेगस नर्व, नेक्स्ट फ्रेनिक नर्व, नेक्स्ट रिकरंट लैरिंजियल नर्व। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ, रिकरंट लैरिंजियल नर्व। अगर बार बार जो लैरिंजियल नर्व है उसमें इंजरी हुई है, कब, जब थायरॉइड सर्जरी पेशेंट की जा रही थी तो उसमें लैरिंजियल नर्व की बार बार इंजरी होने की वजह से वोकल कॉर्ड पाल्सी पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द नेजोगेस्टिक इंट्यूबेशन, पेशेंट का क्या हो रहा है, नेजोगेस्टिक इंट्यूबेशन हो रहा है। आगे क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम दी, आपको ये पूछा है कि एनजी ट्यूब की जो लेंथ है वो आप कैसे मेजर करेंगे। बिल्कुल सीधा सिंपल आपको सवाल पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट नोज टू द ट्रेगस प्लस नोज टू द अम्ब्लाइकस, नेक्स्ट नोज टू द स्टर्नम, नेक्स्ट नोज टू द अम्ब्लाइकस, नेक्स्ट नोज टू द ट्रेगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ, नोज टू द ट्रेगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम, यानी जो नोज है वहाँ से लेकर ईयर के ट्रेगस तक आपको पहले मेजर करना है, उसके बाद प्लस नोज टू द स्टर्नम, जो नोज है वहाँ से फिर से आपको स्टर्नम तक मेजर करना है, और जो मेजरमेंट आपके पास आता है वो आपको कहाँ से डालनी है, एनजी ट्यूब लेफ्ट नोस्ट्रल से, वो जो एनजी ट्यूब आप डालेंगे तो वो सीधी स्टोमक के अंदर ही जाएगी। तो पहले आपको मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा एनजी ट्यूब जानी चाहिए थी स्टोमक के अंदर, आप पहुंचा दिए या तो लंग्स के अंदर या फिर आप पहुंचा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले मेजरमेंट अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायफ्राम इज ए या एन, इस प्रकार के तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही आ रहा है, डायफ्राम क्या है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट आर्टरी, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, बोन कैविटी, यहाँ पे आपको आंसर करना था स्केलेटल मसल, जो डायफ्राम वो क्या है, स्केलेटल मसल है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमिप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल इज एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन थेरेपी या ट्रीटमेंट फॉर, आपको तीन ड्रग के नाम दिए हैं और आपको बताया गया है कि ये जो थेरेपी होती है, जो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है वो किससे बचाने के लिए दिया जा रहा है, ये किसके लिए दिया जा रहा है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे पहले देखिए ड्रग दे रखी है तीन, ओमिप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ये तीनों की जो थेरेपी दी जाती है, कॉम्बिनेशन जो दिया जाता है पेशेंट को, वो किससे ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है इकोलाई इंड्यूस्ड डायरिया, नेक्स्ट अमीबिक डिसेंट्री, नेक्स्ट पर्निशियस एनीमिया, नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन, जो एंच पायलोरी का इन्फेक्शन होता है उससे बचाने के लिए ये ट्रिपल
जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो दी जाती है, कौन कौन सी, ओमिप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रानिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल इज, आपको यहाँ पे पूछा है मोस्ट सीवियर विड्रॉल सिम्टम। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, अगर उसने अल्कोहल छोड़ने की कोशिश की, मान लीजिए वो कोशिश कर रहा है कि मैं अल्कोहल छोड़ दूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा है, फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं छोड़ दूँ, है ना, तो इस प्रकार से अगर वो कोशिश कर रहा है और वो नहीं पी रहा है, अल्कोहल नहीं ले रहा है या फिर दारू नहीं पी रहा है, तो समझिए उसके अंदर जो सीवियर विड्रॉल सिम्टम होंगे वो क्या होंगे। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है सिरोसिस ऑफ लीवर, नेक्स्ट है डिलीरियम ट्रेमेंस, नेक्स्ट है रम फिट्स, नेक्स्ट है अल्कोहलिक हैलुसिनेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड डिलीरियम ट्रेमेंस। अगर कोई पेशेंट जो खूब सारी दारू पीता है, खूब सारी अल्कोहल लेता है, अगर वो अल्कोहल छोड़ रहा है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, डिलीरियम ट्रेमेंस, यानी कि हाथ पैरों के अंदर उसके अंदर जो ट्रेमेंस होने चाहिए वो आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, मोस्ट सीवियर विड्रॉल सिम्टम है अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमायलाइटिस इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो पैरालाइटिक पोलियोमायलाइटिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको पूछा गया है, यानी आईपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि द आईपी ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमायलाइटिस, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कुछ को जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो पता होता है, लेकिन आईपी का मतलब भी होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो पैरालाइटिक पोलियोमायलाइटिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको पूछा गया है, ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है 7 to 21 days, फ्यू आवर्स टू 5 days, नेक्स्ट है 2 to 5 days, नेक्स्ट है 3 to 6 week। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट 7 to 21 days, 7 दिन से लेकर 21 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पैरालाइटिक पोलियोमायलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कोई भी एजेंट, कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, एंटर होने के बाद सिम्टम्स डेवलप करने तक की जो अवधि होती है, या फिर आप बोल सकते हैं टाइम पीरियड जो होता है, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी यहाँ पे जो पैरालाइटिक पोलियोमायलाइटिस है उसका जो एजेंट पेशेंट के अंदर एंटर हुआ है, उसने अगर सिम्टम्स कोज, मतलब वो सिम्टम्स अगर कोज करेगा तो कब करेगा, 7 दिन के बाद, 7 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में ही वो सिम्टम्स अपने कोज करेगा, ना तो 21 दिन बाद करेगा, ना ही 7 दिन वो पहले करेगा। यानी 7 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में अगर कोई एजेंट अगर बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद सिम्टम्स कोज कर रहा है तो वो कौन सा है, पैरालाइटिक पोलियोमायलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द गुड डाइटरी सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा वो गुड डाइटरी सोर्स है, जो अच्छा सोर्स है किसका, मैग्नीशियम का, जो रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड सी फूड्स, नेक्स्ट साल्टी फूड्स, नेक्स्ट वेजिटेबल, लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स। मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है वो कौन सा है, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्सन हु हैज़ कम्प्लीट डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर विथ विच दे कैन एक्सेस अदर सिम्टम्स एंड गेन ऑल वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और डैमेज एट टाइम इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो पर्सन जो नॉलेज, यानी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज किसका, कंप्यूटर का, मतलब कंप्यूटर क्या इतना गहनता से वो नॉलेज जितना भी उसको पता है, मतलब उतना नॉलेज जिसको पता है, उस पर्सन का आपको वो पूछा गया है कि वो पर्सन कौन हो सकता है जिसको कंप्यूटर का फुल ऑफ नॉलेज है, मतलब हर एक चीज़ का उसको पता है कि कहाँ पे क्या है, क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, मतलब हर एक चीज़ का उसको पता है। आगे क्या पूछा है, दे कैन एक्सेस अदर सिस्टम एंड गेन ऑल वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और डैमेज, यानी कि अगर इन जो कंप्यूटर है उसके अंदर किसी प्रकार कोई भी वायरस वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी डैमेज होता है, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी उसको पता होती है, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट प्रोग्रामर, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, नेक्स्ट सिस्टम एनालिस्ट, इनको बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। प्रोग्रामर सिर्फ प्रोग्राम का ध्यान रखता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बनाने का ध्यान रखता है, सिस्टम एनालिस्ट ये सिर्फ सिस्टम को पहचानता है, बाकी और कुछ इसको कोई नॉलेज नहीं होता है। लेकिन लास्ट में आपको दिया गया हैकर, जो हैकर्स होते हैं उनको हर एक चीज़ का नॉलेज होता है कंप्यूटर के बारे में, क्या कैसे सब कुछ, मतलब हैकर्स जो होते हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो। ओके, यहाँ पे जो होगा इसका आंसर वो क्या होगा, हैकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट्स फुट इज ए, जो एथलीट्स फुट है वो क्या है, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड एथलीट्स फुट क्या है, फंगल
इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन्स वियर डिस्कवर्ड इन, जो विटामिन्स है उनकी खोज कब हुई थी, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में फर्स्ट है 1953, नेक्स्ट 1912 है, नेक्स्ट 1915, नेक्स्ट 1961। यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड 1912 है। अगर आपको फ्यूचर में पूछे कि विटामिन्स की खोज कब हुई थी, तो आपको आंसर करना है 1912। अगर आपको पूछे कि विटामिन्स की खोज किसने की थी, तो फिर आपको आंसर में करना है फंक, जो साइंटिस्ट थे फंक, उन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सूत्र में काम में लिया गया वह मान क्या कहलाता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको वो मान पूछा गया है जो सूत्र में आप लेते हो जिसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल सीधा सिंपल जवाब आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट कॉल एड्रेस, नेक्स्ट नियतांक, कंस्टेंट, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, स्थितिक, नेक्स्ट चर। यहाँ पे जो आपको आंसर करना वो क्या करना है, नियतांक, कंस्टेंट। कंस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो या जिसमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं करना होता है, यानी कि परिवर्तन इसमें होता ही नहीं है। तो जो नियतांक होता है वो क्या है, अनचेंजेबल वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कालाजार इज, कालाजार का आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताना था। ऑप्शन में फर्स्ट आपको दिया गया कॉक्सिला बर्निटी, नेक्स्ट यर्सिनिया पास्टिस, नेक्स्ट फ्लेवी वायरस फिब्रिकस, नेक्स्ट लेस्मानिया। यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, लेस्मानिया। काला आजार का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, लेस्मानिया। माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ड्रग डिस्कवर्ड टू ट्रीट लेप्रोसी वाज, वो पहली कौन सी ड्रग है जिसको लेप्रोसी के लिए यूज में लिया गया था, यानी कि लेप्रोसी जो डिजीज कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए यूज में लिया गया था, या पहली बार वो बनाई गई थी। ऑप्शन में देखिए, क्लोफाजिमिन, पायरेजिनामाइड, डेप्सोन, रिफाम्पिसिन। आपको यहाँ पे आंसर करना था डेप्सोन। जो डेप्सोन है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है लेप्रोसी को ठीक करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं इसको DOC, ड्रग ऑफ चॉइस लेप्रोसी के लिए जो होती है वो होती है डेप्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड वॉमिटिंग कैन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, रिपीटेड वॉमिटिंग किसी पर्सन के अंदर हो रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज कोज करेगी। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नेक्स्ट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, नेक्स्ट यूरेमिया, नेक्स्ट सेप्टिसीमिया। आपको यहाँ पे जो आंसर करना है वो क्या करना है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगा, देखिए रिपीटेड वॉमिटिंग यानी बार बार वॉमिटिंग हो रही है, और जो स्टोमक की पीएच होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, तो बच्चे क्या करके आ जाते हैं, डायरेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस करके आ जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वॉमिटिंग हो रही है यानी बार बार इसको उल्टियाँ हो रही है, तो जो एसिड है वो तो बाहर निकल रहा है, अगर वही बाहर निकल जाएगा तो क्या पीएच उसकी एसिडिक रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी होगी वो क्या होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीबीएसएस ग्लैंड विच रिमेन्स नॉन डोमिनेंट इन नॉन प्रेगनेंट स्टेट बिकम्स हाइपरट्रॉफिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस ग्लैंड इज। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जो सीबीएसएस ग्लैंड है वो नॉन प्रेगनेंट स्टेट के अंदर कैसी होती है, नॉन डोमिनेंट होती है, नॉन डोमिनेंट होती है, लेकिन यही सीबीएसएस ग्लैंड हाइपरट्रॉफिड हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके बाद ये हाइपरट्रॉफिड हो जाती है, कौन, सीबीएसएस ग्लैंड। तो इस टाइम को क्या कहा जाता है, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है मोंटगोमेरी ट्यूबरकल, नेक्स्ट है सेकेंड एरियोला, नेक्स्ट ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट एक्जिलरी टेल। यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर नॉन डोमिनेंट होती है वो कौन है, सीबीएसएस ग्लैंड, लेकिन वहीं सीबीएसएस ग्लैंड प्रेगनेंसी के दौरान ये हाइपरट्रॉफिड हो जाती है, उस टाइम को क्या कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर में क्या करना है, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। और ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया दिया ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिलेटेड टू द, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट फेशियल टेंशन, नेक्स्ट मूवमेंट इन इंटेस्टाइन, नेक्स्ट साइट, नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, सेंस ऑफ स्मेल, जो खुशबू और बदबू के बारे में आपको पता चलता है वो कौन सी नर्व पता करवाती है आपको, ऑल्फैक्टरी नर्व। अगर ऑल्फैक्टरी नर्व ना होती तो ना तो आपको खुशबू का पता चलता, ना ही आपको बदबू का पता चलता, मतलब कहीं भी बिठा दो, कहीं भी ले जाओ, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजिटिव एजेंट। देखिए फिर से कॉजिटिव एजेंट, माइक्रोबायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉजिटिव एजेंट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, निम्नलिखित में से कौन सा कॉजिटिव एजेंट है जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ट्रिकोमोनास, नेक्स्ट उचेरिया ब्रोंकोप्टाई, नेक्स्ट एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, नेक्स्ट प्लाज्मोडियम। दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड उचेरिया ब्रोंकोप्टाई लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का क्या होता है, कॉजिटिव एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज कंडीशन है जो हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करती है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट लेप्रोसी, नेक्स्ट टाइफॉइड, नेक्स्ट मलेरिया, नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, मलेरिया। जो मलेरिया है वो हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LAN, कंप्यूटर का फिर से फॉर्म क्वेश्चन पूछा गया है और आपको फुल फॉर्म पूछी गई है LAN की। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क, नेक्स्ट लैंड एरिया नेटवर्क, नेक्स्ट लोकल एक्वा नेटवर्क, नेक्स्ट लोकल एक्सेस नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए लोकल लोकल नेटवर्क नेटवर्क ये तो आपको दिया है, लेकिन जो बीच में एक चीज़ जो होनी चाहिए थी वो क्या होनी थी, जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना चाहिए था वो तो क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जो कन्फ्यूज़ हो गए वो करके आ गए ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, है ना। लेकिन आपको जो आंसर में करना है, फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर क्या करना, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कंडीशन इन विच द पेशेंट हैज़ एन इनवॉलेंट्री ग्रिडनिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लिप इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 5 स्टार कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ 5 स्टार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इसको याद कर लीजिए। 5 स्टार कहीं पर भी आप लगाते हो, जब आप कोचिंग में पढ़ते हो या फिर आप कहीं भी पढ़ते हो, जब आप 5 स्टार लगाते हो तो इससे कोई सेंस नहीं होता है। जब आप 5 स्टार लगाते हो कॉपियों में आपकी रह जाता है, लेकिन जो आप दिमाग में याद करते हो वो आपके परमानेंटली याद रह जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको एक कंडीशन बतानी है, वो कंडीशन आपको बतानी है जो पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही है। लेकिन पेशेंट के अंदर डेवलप क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर हो रहा है डेवलप इनवॉलेंट्री ग्रिडनिंग ऑफ टीथ, यानी कि जो पेशेंट है वो बार बार इनवॉलेंट्री, मतलब दांत है वो पीस रहा है, जो अपने दांतों को पीस रहा है इनवॉलेंट्री, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है। और वो कब पीस रहा है, जब वो सो रहा होता है, पेशेंट सोते सोते दांतों को पीसते रहता है। और ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रखी है। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, ये फिर इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट एन्यूरेसिस, नेक्स्ट है ब्रुक्सिज्म, नेक्स्ट है साल्मोनिक, नेक्स्ट है इंसोम्निया। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ब्रुक्सिज्म। दोस्तों मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए वो सारे एम्स ESICRRB जो एग्ज़ाम्स हुई है प्रीवियस ईयर में, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो नए यहाँ पे डाले गए हैं, बाकी पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही उठाए गए हैं। तो यहाँ पे जो टर्म आपको बतानी थी वो क्या बतानी थी, ब्रुक्सिज्म। अगर आपको पूछे कि रात के समय पेशेंट सो रहा है और इनवॉलेंट्री अगर वो अपने दांतों को पीस रहा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, तो आपको आंसर में क्या करना है, ब्रुक्सिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज दैट वाज प्रोवाइड टू हैव ए वायरल एटियोलॉजी इज। यहाँ पे आपको पूछा है कि अगर पहली कोई वो डिजीज कंडीशन है जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट की थी जो वायरल एटियोलॉजी की वजह से हुई थी, तो कौन सी डिजीज कंडीशन है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है स्मॉल पॉक्स, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, नेक्स्ट है रेबीज, नेक्स्ट है येलो फीवर। आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, येलो फीवर। येलो फीवर फर्स्ट ह्यूमन डिजीज है जो वायरल एटियोलॉजी की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पेशेंट इन एक्टिव लेबर द नर्स मिडवाइफ प्लान टू यूज़ एन इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग यानी EFM डिवाइस। वॉट मस्ट अकर बिफोर द इंटरनल EFM कैन बी अप्लाइड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक पेशेंट है जो एक्टिव लेबर का है, मतलब उसके लेबर होने वाली है, जो डिलीवरी है वो होने वाली है, एक्टिव लेबर का वो पेशेंट है, और जो नर्स मिडवाइफ है वो प्लान कर रही है जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग है वो डिवाइस लगा कर वो मतलब बच्चे को देखना चाहती है कि क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, कितना क्या टाइम बचा है, वो सब कुछ मॉनिटर करने के लिए EFM लगा रही है। तो अब ये आपको पूछा क्या गया है, आगे जो पूछा गया, व्हाट मस्ट अकर बिफोर द इंटरनल EFM कैन अप्लाइड। जो EFM आप अप्लाई कर रहे हैं जो डिवाइस, वो कब करनी चाहिए, आपको कब करनी चाहिए, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है द सर्विक्स मस्ट बी डायलेटेड फ्यूली, नेक्स्ट द मेम्ब्रेन मस्ट रप्चर,
नेक्स्ट है द फिटेस्ट मस्ट बी एट जीरो स्टेशन। नेक्स्ट द पेशेंट मस्ट रिसीव एनेस्थेसिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन। द मेम्ब्रेन मस्ट रप्चर, यानी जो EFM आप डिवाइस लगा रहे हैं वो रप्चर, जो मेम्ब्रेन है उसके रप्चर होने से पहले पहले आपको लगानी है, उसके बाद में आपको EFM बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर आप EFM से कार्डियक मॉनिटर या फिर फिटल मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं तो वो मेम्ब्रेन रप्चर होने से पहले पहले आपको कर लेनी है, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू व्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। वो पहला कौन सा आदमी है जिसने सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे फिर वो प्रोटोजोआ हो, है ना। तो कौन सा वो इंसान है जिसने सबसे पहले इनको देखा था, भाई बहुत ही लक्की आदमी है ये तो, जिसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था। ऑप्शन दे देखिए, फर्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, नेक्स्ट एडवर्ड जेनर, नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नेक्स्ट एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक। निम्नलिखित में जो कौन सी स्ट्रक्चर है जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। लेकिन मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। ऑप्शन में फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम, नेक्स्ट काउपर्स ग्लैंड, नेक्स्ट फिम्ब्रिया, नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपको और ऑप्शंस में दी गई है जैसे काउपर्स ग्लैंड, नेक्स्ट फिम्ब्रिया, नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल्स, तो ये ह्यूमन बॉडी जो मेल है फीमेल है दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से आपको जेंडर स्पेसिफिक को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर है लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, MPCHO में 2-3 बार पूछा जा चुका है और यहाँ पे देखिए फिर से पूछा गया है, जो सिस्टम है पर्सनैलिटी का उसके अंदर जो रियलिटी प्रिंसिपल है वो किसके आधार पे है, मतलब रियलिटी प्रिंसिपल के बेस पे कौन सा पर्सनैलिटी सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है ईगो, नेक्स्ट सुपर ईगो, नेक्स्ट इड, नेक्स्ट है सुपर इड। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट ईगो। जो ईगो है वो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल है। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर जब भी लेके आऊंगा उस टाइम, बाकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इजीली इजी वे में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। निम्नलिखित में कौन सी डिजीज कंडीशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड से यानी कि पूरे विश्व से ही खत्म हो चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। फर्स्ट है कोलेरा, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस, नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व इज नॉट इन्वॉल्व्ड विथ आई। निम्नलिखित में से वो कौन सी क्रैनियल नर्व है जो आंख से रिलेटेड नहीं है, जो आंख के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी 3 क्रैनियल नर्व होती है जो आंख से रिलेटेड होती है, यानी आंख के अंदर इन्वॉल्व होती है, एक नहीं होती है, तो वहीं तो आपको पूछी गई है। फर्स्ट है असेसरी, नेक्स्ट ऑप्टिक, नेक्स्ट ट्रोक्लियर, नेक्स्ट एब्डोसेंस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट असेसरी। ये क्रैनियल नर्व वो है जो आंख के अंदर यानी आई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, बाकी ये तीनों इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड आउट वेदर और नॉट ए पर्सन इज इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिप्थीरिया इज। देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि डिप्थीरिया किसी पर्सन को हो जाए तो कैसे उसको डायग्नोस किया जाता है, कौन से टेस्ट से उसको डायग्नोस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको उल्टी सीधी लैंग्वेज देके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर कर दिया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट डिक टेस्ट, नेक्स्ट मॉन्टेक्स टेस्ट, नेक्स्ट विडाल टेस्ट, नेक्स्ट सिक टेस्ट। लेकिन आपको ऑप्शन देख के डायरेक्ट आपको आंसर पता हो गया होगा कि जो डिप्थीरिया है उसके लिए सिक टेस्ट किया जाता है। ये तो बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा इज। आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव डाटा का है, बाकी सारे किसके हैं, सब्जेक्टिव डाटा के एग्जाम्पल है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, नेक्स्ट इचिंग, नेक्स्ट फीलिंग ऑफ वरी, नेक्स्ट नोजिया। ये तो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का डिस्कलरेशन होना क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। ये ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल है, बाकी सब्जेक्टिव डाटा के एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे जनरल हिंदी नॉलेज एंड रीजनिंग, जो मैंने आपको बताया था डीएसएसबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, आपको कंप्लीट ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेने हैं। वैसे मैं आपको फास्टली बता देता हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है, अवनी नहीं है, रजनी, निशा, यामिनी, ये क्या पर्यायवाची शब्द है रात्रि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम का विलोम शब्द आपको पूछा है तो आपको आंसर में क्या करना है, विषम, बाकी कोई से भी विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से आपको शुद्ध तत्सम शब्द पूछा गया तो वो कौन सा है, आरोग्य, बाकी क्या है, शुद्ध तत्सम शब्द नहीं है। वैसे ये तत्सम शब्द है लेकिन शुद्ध नहीं है, ओके, अशुद्ध है या विशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आपको यहाँ पे चार वाक्य दिए गए, उनमें से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। फर्स्ट देखिए, दरवाजों में कीड़े पड़ गए हैं, नेक्स्ट किताबों को मेज पर ही रहने दो, नेक्स्ट आग की लपेटों में घर लहला उठा, नेक्स्ट इधर ठंडी बर्फ मिलती है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, किताबों को मेज पर ही रहने दो, ये एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे क्या है, अशुद्ध या विशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावस का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो कौन सा नहीं है, वारी नहीं है, बाकी सब पावस के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। पावस को वृष्टि भी कहते हैं, मेह भी कहते हैं एंड वर्षा भी कहते हैं। जो मेह वर्ड है इसको मेह बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में मेह बोलते हैं ना, है नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट मेह बोल के इसको बंद कर देते हैं ना, है तो बोलते भी नहीं है। तो ये जो पावस है इसके पर्यायवाची शब्द वृष्टि, मेह एंड वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाद की जड़ को ही मिटा देना, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विवाद की जड़ को ही मिटा देना अर्थ में उपयुक्त लोकाक्ति है, यानी कि आपको यहाँ पे एक वो दी गई, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो बोलते हैं ना, आप बोलते हो जो मुहावरे है ना, वहीं दिया गया है कि विवाद की जड़ को ही मिटा देना का इसका अर्थ क्या होता है। आपको यहाँ पे जो आंसर करना था वो क्या करना था, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि ये जो आपको एक मुहावरा दिया गया है, लोकाक्ति जो दी गई, इसका मतलब होता है विवाद को जड़ से ही मिटा देना, क्या, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो ये काम आपको भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए अभी शुद्ध पूछ रहे थे लेकिन अब की बार अशुद्ध पूछ लिया है, काश तुम मेरे साथ होते, तो ये तो क्या है, शुद्ध है भाई, क्योंकि काश आप मेरे साथ हो तो ये तो शुद्ध है। नेक्स्ट, बरसात में कपड़े नमी हो गए, ये क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट, देश की जनता किसके पक्ष में है, ये भी शुद्ध है। नेक्स्ट, आज मजदूर दिवस है, ये भी शुद्ध है। लेकिन बरसात में कपड़े नमी हो गए, बरसात में कपड़े नमी नहीं होते, पूरे गीले हो जाते हैं, है ना, तो ये क्या है, अशुद्ध है, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए फिर से शुद्ध का वाक्य पूछा है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, यहाँ पे आपको आंसर करना है, भारत एक राजतांत्रिक देश है, जो भारत है वो किस प्रकार का देश है, जनतांत्रिक देश है, बाकी क्या है, अशुद्ध है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा रूप शुद्ध है, तत्सम शब्द का भी आपको शुद्ध रूप पूछा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है उत्संकलन, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट उच्चकलन, है ना, ये आपको सही करना है, बाकी ये क्या है, गलत है। तत्सम शब्द आपको दिए गए हैं लेकिन जो अशुद्ध है वो आपको ये करने हैं, ऑप्शन थर्ड, जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो, और जो शुद्ध है वो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है उच्चकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा सही युग्म सही नहीं है, यानी जो तत्सम तद्भव होते हैं उनका सही युग्म नहीं है, कौन सा है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है वो करना है लक्ष एंड लक्ष्य, ये सही नहीं है, बाकी ये सारे सही है, छत्र छाता, दधी दही, शुष्क सूखा, यानी इनके जो मतलब है वो बिल्कुल सही है, शुष्क का मतलब होता है सूखा, दधी का मतलब होता है दही, छत्र का मतलब होता है छाता, बाकी ये सही नहीं है, लक्ष्य का लक्ष्य ये गलत है ना, बाकी ये सही है। नेक्स्ट देखिए, वियोग, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है, जो वियोग है वो किसका विलोम है, कौन से शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है संयोग, संयोग का विलोम होता है वियोग, बाकी यहाँ पे किसी का भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखिए, विलोम शब्द जो युग्म सही है आपको पूछा गया है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है सबल अबल, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोकाक्ति का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे मुहावरे का अर्थ नहीं है, देखिए कौन सा है, यानी मुहावरे का एक उदाहरण नहीं है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हथेली में सरसों उगाना, बहुत सारे लोग बोलते हैं और आपने सुना भी होगा कि हथेली में क्या, मैं सरसों उगाऊँ क्या, है ना, तो ये एक लोकाक्ति नहीं है, ये मुहावरा नहीं है, ये तो आप बना बनाया आपका एक अर्थ है,
है ना, कि किसी को बोलते हैं कि आपको ये जल्दी से काम करना है, तो वो क्या बोलता है पता है, वो बोलता है कि क्या मैं हथेली में अपनी हथेली में सरसों उगाऊं क्या, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो एक मुहावरा नहीं है, वो एक प्रकार का बना बनाया शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, छोटी मुँह बड़ी बात, ये क्या है, उदाहरण है भाई, छोटा सा मुँह और बड़ी बात करना, है ना। नेक्स्ट है, घर पर बेदी लंका डाई, भाई घर पर तो क्या हो रहा है और दूसरों की बुराइयाँ करते जा रहा है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, चोर की ढाड़ी में तिनका, है ना। तो ये क्या है, ये तीनों ही मुहावरे है, बाकी ये जो हथेली में सरसों उगाना ये मुहावरा नहीं है, लोकाक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्षक का विलोम शब्द आपको पूछा है, तो आपको आंसर में क्या करना है, भक्षक। बिल्कुल सिंपल सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, रक्षक तो भक्षक, है ना, विलोम शब्द, ये बाकी नहीं है। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द आ गए, पर्यायवाची शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे जो तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो तो सही है पर्यायवाची शब्द को लेकर, बाकी एक नहीं है, वो कौन सा है, मंगल बुध, ये गलत है, बाकी ये सब सही है, मयूर सिकी कौप क्रोध यमुना कालिंदी, ओके, ये पर्यायवाची शब्द के बिल्कुल युग्म सही है, ये सही नहीं है, जो सही नहीं है वो कौन सा है, मंगल बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा है, तो आपको आंसर में क्या करना है, परसों, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, तद्भव नहीं है, आपको यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक तद्भव नहीं है, तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना है, मूल्य, मूल्य तद्भव नहीं है, तांबा कांटा पीता, ये क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी इंटरनेशनल ओलंपिक जो गेम है वो भी चल रहे हैं और उसी को लेकर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसी को लेकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कहाँ पर है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट नीदरलैंड, नेक्स्ट चाइना, नेक्स्ट स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट USA, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है स्विट्जरलैंड, और अभी ओलंपिक चल भी रहे हैं तो ओलंपिक के जो चलने की वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है का उसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने CHN के अंदर पढ़ा होगा, FAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट जापान, नेक्स्ट चाइना, नेक्स्ट USA, नेक्स्ट इटली, दोस्तों इटली में भी कहाँ पे, रोम के अंदर, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन में जो इटली है वो आपको करेक्ट आंसर करना था, अगर आपको बताए कि रोम, ऑप्शन में आपको दे कि रोम, तो आपको आंसर में क्या करना है, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौन जोदड़ो पढ़ा होगा आपने 10वीं के अंदर, जो आपने सोशल साइंस पढ़ी होगी 9th के अंदर पढ़ी होगी, तो उनमें पढ़ा होगा आपने, मौन जोदड़ो वाज एग्जीक्यूटेड बाय द टीम लेड बाय RD बनर्जी इन द ईयर, जो RD बनर्जी है जो इसकी टीम लीड कर रही थी मौन जोदड़ो के लिए जो रिसर्च वगैरह उसमें, तो कौन सी ईयर के अंदर कर रही थी। ऑप्शन में आपको फर्स्ट है 1922, नेक्स्ट 1923, नेक्स्ट 1921, नेक्स्ट 1920, आपको यहाँ पे आंसर करना है 1922, 1922 को जो RD बनर्जी है उसके नेतृत्व में मौन जोदड़ो की क्या हो रही थी, रिसर्च हो रही थी, वो कौन सी साल में, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश पर की गई, यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन दिया गया, ये आपको फुलफिल करना था, यानी कि यहाँ पे जो आपको आंसर में करना था वो क्या करना था, बी शिवरामन समिति, बाकी गलत है, जो नाबार्ड है उसकी स्थापना जो है वो बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी, तो ये आपको याद कर लेने, बहुत ही अच्छे GK के क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं और जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसी क्रांतिकारी विचारों का जनक के रूप में जाना जाता है, यानी क्रांतिकारी विचारों के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया गया भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिपिन चंद्र पाल, नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे आपको आंसर करना है बिपिन चंद्र पाल, जो बिपिन चंद्र पाल है उन्हें क्रांतिकारी विचारों के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द सेंट्रल ट्रांसल्यूशन ब्यूरो सेटअप, जो CTB है जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CTB, यानी कि सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, इसका जो सेटअप है वो कब बना था। ऑप्शन में यहाँ पे आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ 1971, 1971 को सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के मूल कर्तव्यों से जुड़े 42वें संविधान संशोधन में किस वर्ष अपनाया गया था, यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जो मूल कर्तव्य है वो कब अपनाए गए थे, कौन से साल में अपनाए गए थे, तो आपको आंसर में करना था यहाँ पे 1976, 1976 आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जो द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन बुक है उसके लेखक कौन है, तो आपको आंसर में क्या करना है, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, बाकी यहाँ पे नहीं है, आप ऑप्शंस पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस पोर्ट आल्सो नोन एज नेहा सेवा पोर्ट, देखिए
यहाँ पे एक पोर्ट का नाम पूछा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका नाम आपको दे रखा है नावा सेवा पोर्ट इसका नाम है। तो ये कहाँ पर है ये आपको पूछा है, या फिर इसको क्या कहा जाता है ये आपको डायरेक्ट पूछा गया है। देखिए आल्सो नोन एज पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो आंसर करना है वो क्या करना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसे नावा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस पोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है, यानी यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए उनमें से एक वो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है, तो वो कौन सा है, राजस्थान है भाई, अपना राजस्थान है, बहुत ही निराला है, जो सब में आगे होता है। यहाँ पे द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, बिहार में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना FYP उदारीकरण सहित विभिन्न राजकोषीय एवं आर्थिक सुधारों को लेकर शुरू करने के लिए जानी जाती है। तो जो उदारीकरण है राजकोषीय आर्थिक सुधारों के लिए जो पंचवर्षीय योजना बनी थी वो कौन सी थी, तो आपको आंसर में करना था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आप पढ़ते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक नदी तट बंदरगाह है, यानी नदी के तट पे बना हुआ बंदरगाह कौन सा है निम्नलिखित में से, तो आपको आंसर में क्या करना है, कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत के संविधान में एक संशोधन किस वर्ष लाया गया था, यानी कि एक ही व्यक्ति जिसे दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भारत के संविधान में कौन से संशोधन में या कौन से वर्ष में यह संशोधन पारित किया गया था, आपको यहाँ पे आंसर करना था 1956। अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको कभी पूछे तो आपको आंसर में क्या करना है, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन। देखिए जो लॉर्ड कर्जन है उसके द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, वो कौन सा था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। ये कब पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो आपको आंसर में क्या करना है, 1904 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ऑफ इंडिया फंडेड। देखिए जो GSI है यानी जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो जो इंडिया के अंदर बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, ये आपको पूछा गया, तो आपको आंसर में करना है 1851, यानी अंग्रेजों के टाइम पे ये बनी थी 1851 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी है जिसके संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर में करना है धर्मपाल, जो कब के मर चुके हैं लेकिन इनको याद अभी भी करना है ना, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन कैन रिप्लेस द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है उसका आपको वैल्यू बतानी है, यानी 1D, 3F, 5H, and 7J। आगे आपको जो J लिखा हुआ है, J का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, J के आगे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे देखिए 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस देखिए 1+2 आगे कितना आ गया 3, मैं आपको बता देता हूँ 3+2 कितना आ गया 5, यहाँ पे आगे 5+2 कितना आ गया 7, तो सीधा सीधा आपको आंसर यहाँ पे करना है 7+2 कितना आ गया 9, और आपके आंसर भी कितने आ रहे हैं 9, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, विषम को चुने, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों जो ऑप्शंस है वो 3 जो ऑप्शंस है वो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक को छोड़कर, आंसू पसीना लार। ये देखिए जो आंसू पसीना और लार है ये ह्यूमन बॉडी से सिक्रेट होते रहते हैं, लेकिन थूक ये वर्ड ही अलग है, यानी वर्ड को लेकर यहाँ पे पूछा गया, थूक किसको बोलते हैं, ये थूक जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, लार को ही बोलते हैं, जो सेलाइवा होती है उसी को क्या बोलते हैं, थूक बोलते हैं, जो आप थूकते हो बाहर वो हो जाता है थूक, बाकी जो इंटरनली जो सिक्रेट होते हैं वो कौन से होते हैं, आंसू पसीना एंड लार, तो जो विषम है वो कौन सा है, थूक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्सन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे जो PERSON जो वर्ड है इसे रिलेटेड है UJFWXTS इन द सेम वे, इसी वे में आपको मैच्योर किससे रिलेटेड होगा, देखिए यहाँ पे जो आपको आंसर में क्या करना है, RFYZWJ, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, इनमें प्लस माइनस आप करते रहना, दो मतलब P के जैसे U है तो इसमें कितना डिफरेंस है, E का
जे के कितना डिफरेंस है, ए से एफ का कितना डिफरेंस है, एस का कैसे डिफरेंस है, इस प्रकार से आप डिफरेंस करके यहाँ पे करेक्ट आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज एम यू के एच फर्स्ट इज रिटन एन वी एल आई टू, हाउ विल ए एस एम वन टी ए बी रिटन। यानी कि यहाँ पे कोड दिया गया है लैंग्वेज का, जो एम यू के एच फर्स्ट है उसको एन वी एल आई टू लिखा जाता है, तो जो एस एम जो ए एस एम फर्स्ट टी ए है उसको क्या लिखा जाएगा। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लास्ट में एक डिजिट है उसको दो लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है इसको तो दो लिखा जाएगा, कन्फर्म लिखा जाएगा इसको दो। ओके, बाकी ये एम के आगे आता है एन, जे के एल एम एन है ना, एम के आगे आता है एन, तो ए के आगे क्या आता है बी, इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। यू के आगे आता है वी, एल के आगे आता है एल, एच के बाद में आता है आई, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जब करेक्ट आंसर आप करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी बी टी एन टू यू बी, टी के बाद में यू, ए के बाद में बी, इस प्रकार से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑप्शन थर्ड की वैल्यू आएगी, यानी आपको करेक्ट आंसर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन चेयर फाइव द टेबल फाइव देन फर्नीचर, यानी कि चेयर को पाँच लिखा जाता है, टेबल को भी पाँच लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो फर्नीचर है उसको क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल सीधा सिंपल जवाब यहाँ पे आपको देना था और बिल्कुल सीधा सिंपल आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखिए चेयर के अंदर कितने वर्ड है, पाँच है, टेबल के अंदर कितने हैं, पाँच है, लेकिन फर्नीचर के अंदर कितने हैं यही तो आपको पूछा गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। देखिए बिल्कुल आपको सीधा जवाब आपको यहाँ पे देना था नौ, जो फर्नीचर है उसका जो क्वेश्चन मार्क है उसके आगे क्या आएगा, नौ आएगा, यहाँ पे सीधा आपको आंसर ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है एक भिन्न है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन, यानी चार में से तीन समान है एक नहीं है, तो देखिए द्रव गैस ठोस, ये तो धातु हो गई, यानी आपने विज्ञान में पढ़ा होगा द्रव गैस ठोस, लेकिन जो जल है वो समान इनके नहीं है, इनके समान नहीं है, ये साइंस में आपने पढ़ा होगा दो द्रव गैस ठोस, ये एक आपने पढ़ा होगा एक ही चीज़ के अंदर, और जो जल है वो अलग आपने पढ़ा होगा, ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, जो कोड लैंग्वेज है ये आपको फिर से पूछी गई, ज्योग्राफी को लिखा जाता है यहाँ पे हाइपर जियो, ये मतलब कुल मिला के कम्प्लीट इसको उल्टा कर दिया है, लेकिन आगे देखिए हाउ टू पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल है उसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको पूछा गया है। देखिए इधर देखिए एच ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में एच पहले आया वाई बाद में आया, तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल तो ए पहले आएगा एल उसके बाद आएगा, उसके बाद देखिए ए पी ए पी, यहाँ पे ए पी, यहाँ पे देखिए फिर आई सी, यहाँ पे आप देखते जाइए ए एल आई सी आ गया ना, उसी प्रकार से आपको देखिए ओ जी, यहाँ पे देखिए ओ जी, उसी प्रकार से देखिए आपको यहाँ से फिर से पी ओ, जो सॉरी ओ जी से पहले देखिए जी आर, जी आर जो बच गए उसमें आएगा पहले, यहाँ पे दे रखा है पहले जी फिर आर है ना, तो जी आर आपको सेम एज इट इज लिख देना है, इसमें से इसी प्रकार से आपको देखने हैं, और यहाँ पे आपको एक आपको बना लेना, मतलब सेट बना लेना है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ए एल आई सी आई टी ओ एल पी, आप बना के देखना बिल्कुल आपके आंसर आ जाएगा, अगर नहीं बने तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर अच्छी सी और समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट आर रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। देखिए जो आपको यहाँ पे कहानी दी गई है वो दी गई है कि वो ऑप्शन आपको बताना है, जो फोर्थ ऑप्शन आएगा यानी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन से रिलेटेड है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ सिक्स, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, यानी कि 28 चार तो 42 के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आगे क्या आएगा 6, क्या करना है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर 6। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप समझने की एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आपके आंसर बिल्कुल आ जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन से यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्द चुने जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों में उतनी बार उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है जितनी बार भी अक्षर निम्न शब्द में से उपयोग करके बनाए गए हैं या उपयोग किए गए हैं। ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया गया डेलीगेशन, डेलीगेशन से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं एक को छोड़कर, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। जेंटल, इसके अंदर देख लेना आप, इसके अंदर देख लेना जेंटल इसमें बन सकता है, जी ई एन टी एल ई, यानी जेंटल की डेफिनेशन इस डेलीगेशन से बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकती है। ओके आगे है एलिजेंट, ये भी बन सकती है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट नेग्लिएट, नेग्लेक्ट,
ये नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, क्यों? इसके अंदर सी है, सी इसके अंदर नहीं है, देखिएगा सी इसके अंदर नहीं है। बाकी एक और है डिलीटिंग, ये भी इस वर्ड से बन सकता है, लेकिन जो नेग्लेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं बनता, यही तो आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ टेक्स 45 31 तो डी ई एल को क्या लिखा जाएगा, यानी जो टी ए एक्स है उसको 45 लिखा जाता है, एफ एक्स को 23 लिखा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ टी की आपको वैल्यू निकालनी है कि कितने नंबर पे आता है, ए की वैल्यू जैसे एक हो गई उसी प्रकार से इसके भी निकालनी है कितने नंबर पे आता है, ये आप देख लेना, और जो एक्स है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इनको सारों को क्या करना है, आपको काउंट कर देना है। जब आप काउंट करेंगे, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा ये, चलो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक बार आंसर समझ लीजिए, बाकी आपको अगर कंफ्यूज है तो मैं आपको वैसे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूंगा अगर आप क्वेश्चन ये पूछेंगे तो। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है 21, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अभी सॉल्व करने में, मैं आपको वैसे सॉल्व करके डायरेक्ट बता दूंगा अगर आप पूछते हैं तो। अगर आप पूछेंगे आपको डाउट है तो आपको मैं ज़रूर आंसर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी मैं समझाऊंगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, पता नहीं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार संख्या युग में दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है एक भिन्न है। देखिए जो चार यहाँ पे वर्ड दिए गए वो भी उनमें से तीन तो बिल्कुल समान है, एक नहीं है। देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल जवाब आपको देना था, वो देना था ऑप्शन फर्स्ट 42 एंड 62। अब देखिए यहाँ पर कैसे आया, देखिए ऑप्शन थर्ड देखिए 36 एंड 57, जो पहली है वो सम संख्या है, नेक्स्ट क्या है विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए 24 सम संख्या है, 45 क्या है विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए 16 एंड 37, तो ये क्या है सम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या है, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर दोनों ही क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, तो ये क्या है एक अलग है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार शब्द यहाँ पर भी दिए गए हैं, तीन समान है एक नहीं है, तो वहीं आपको चूज करना है, फर्स्ट है डस्टर, नेक्स्ट है इरेजर यानी रबर, नेक्स्ट है रिमूवर। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है रिप्लेस। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो डस्टर होता है वो साफ़ करने के लिए यूज लिया जाता है, जो इरेजर होता है जो रबर होता है वो भी साफ़ करने के लिए यूज लिया जाता है, जो रिमूवर होता है वो भी साफ़ करने के लिए यूज लिया जाता है, लेकिन जो रिप्लेसर है वो साफ़ करने के लिए यूज नहीं लिया जाता है, वो यूज होता है रिप्लेस करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया आपने, है ना, जैसे कॉपी पेस्ट आप करते हो वो होता है रिप्लेसर, तो ये अलग है एक, बाकी जो तीन है वो सेम है, तो यही आपको चूज करना था। 47 क्वेश्चन भी नहीं है, यहाँ पे इसका भी आंसर डायरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट करना था। पंखा ब्लेड से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से घड़ी किससे संबंधित है, ये आपको पूछा है। जो पंखा है उसमें ब्लेड लगी होती है, यानी कि जो आपने पंखुड़ियाँ देखी होगी वो उससे संबंधित होती है, लेकिन जो घड़ी है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन में आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है सुई। जो घड़ी के अंदर सुई होती है जो आपको टाइम बताती है, कौन बताती है टाइम, सुई, जो घड़ी के अंदर सुई लगी होती है वो बताती है, तो ये जो सुई है वो घड़ी से संबंधित है, पंखा से संबंधित है कौन ब्लेड, जो पंखुड़ी आप बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस एंड क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है ये जो नीचे दिए गए नंबर है उनमें से आपको चूज करना है कि आगे क्या आएगा। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है 4, आगे 9, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मार्क करके है फिर है 25, नेक्स्ट है 36, तो चलिए मैं ये आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहाँ पे जो चार है उसके आगे पाँच, यानी कि चार में आपने कितने ऐड किए पाँच, तो कितने आगे 9, लेकिन आगे जो संख्या है वो सारी की सारी एक सिमिलर वर्ड से क्या हो रही है ऐड हो रही है, जैसे 9 में आपने 11 ऐड किए कितने आगे 16, तो यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है 16। आगे देखिए 16 में आपने 11 ऐड किए कितने आगे आपके पास में 25, लेकिन आपने 25 में जब 11 ऐड किए तो कितने आगे आपके पास में, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप एक बार डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, बाकी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, अगर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए तो। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है 16 करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की इस वीडियो का, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जैसे जिला यानी राज्य, राज्य के अंदर क्या होते हैं जिला, उसी प्रकार से राज्य के, राज्य जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। जो जिला है वो राज्य के अंदर होते हैं, लेकिन जो राज्य है वो किसके अंदर होते हैं देश के अंदर, किसके अंदर होते हैं देश के अंदर। अगर आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको देते देश, तो फिर आपको आंसर में क्या करना होता विश्व, जो भी देश है वो किसके अंदर है विश्व के अंदर है। और अगर आपको देते विश्व तो फिर आपको आंसर में क्या करना होता पृथ्वी, अगर आपको देते पृथ्वी तो वो किसके अंदर होती है ब्रह्मांड के अंदर। इस प्रकार से क्या होते हैं कोरिलेट होते हैं। दोस्तों ये थे हमारे टोटल जो रिमेनिंग 80 क्वेश्चन बच गए थे वो, ये आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, जो रीजनिंग जीके मैथ है ये सारी जो
हिंदी है, ये सारे के सारे डीएसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले। दोस्तों फिर मिलेंगे एमपीसीएनचो के पेपर के साथ में। एमपीसीएनचो का पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो सेकंड शिफ्ट का बच गया है वो पेपर हम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, सो आप वो भी ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।